YouTube वीडियो का टॉपिक कैसे फाइंड करते हो, जो टॉपिक फाइंड करते हो इस टॉपिक के ऊपर YouTube पर डिमांड ही नहीं है और उस टॉपिक पर आपने वीडियो बनाया है और बाद में सोचा कि मेरा वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहा है। यार जब टॉपिक फाइंड करते हो तो टॉपिक फाइंड करने का समय आपको ये चिंता करना बहुत ज़रूरी होता है कि इस टॉपिक के ऊपर क्या यूट्यूब पर डिमांड है। अगर दोस्तों डिमांड है तो आप इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हो, अगर इस टॉपिक पर डिमांड नहीं है तो आप क्यों इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रहे हो भाई। अगर उस टॉपिक के ऊपर डिमांड ही नहीं है तो आप क्यों वीडियो बना रहे हो इस टॉपिक के ऊपर, ये तो आपका ही गलती है। इसलिए दोस्तों आज की डेट में यूट्यूब पर काफ़ी कंपटीशन है और दोस्तों काफ़ी कंपटीशन के अंदर अगर आप एक यूट्यूबर बनना है, आपका चैनल ग्रो करना है, तो दोस्तों वही आपको टॉपिक फाइंड करना है जो टॉपिक का डिमांड यूट्यूब पर ज़्यादा है। तो दोस्तों आप कैसे फाइंड करना है कि यूट्यूब पर यह टॉपिक ज़्यादा डिमांड है। दोस्तों देखिए, डिमांड वाला टॉपिक फाइंड करने के लिए आपको बहुत टाइम लग सकता है। जैसे कि दोस्तों मैंने एक एक वीडियो अपलोड करता हूँ यूट्यूब के ऊपर, लेकिन दोस्तों होता क्या है कि एक वीडियो बनाने से पहले दोस्तों मैं रात दिन सोचता था कि किस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने से लोग ज़्यादा पसंद करता है। इसलिए दोस्तों मैं एक एक टॉपिक जब ढूंढता हूँ ना तो मुझे काफ़ी टाइम लगता है। अगर दोस्तों आप एक नया क्रिएटर से और आप यूट्यूब पर सक्सेसफुल होना चाहते हो तो दोस्तों ये ट्रेंडिंग टॉपिक आपको ढूंढना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि दोस्तों अगर आप अगल बगल कुछ भी टॉपिक ढूंढ लिया है और उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाया है और जो टॉपिक आपने चूज़ किया है इस टॉपिक के ऊपर यूट्यूब पर बिल्कुल डिमांड नहीं है, तो दोस्तों आपका चैनल आप कैसे ग्रो कर पाएंगे। दोस्तों एक टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने से पहले दोस्तों यूट्यूब पर सर्च करना होता है कि इस टॉपिक की डिमांड कितना है। अगर दोस्तों इस टॉपिक की डिमांड ज़्यादा है तो उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाइए, लोग ज़्यादा पसंद करता है और आपका वीडियो पर ज़्यादा लाइक भी करता है और आपका चैनल भी सब्सक्राइब करता है। और दोस्तों अगर आपने जैसे तैसे एक वीडियो बनाया है और यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है तो भाई आप भी एक बार ज़रा सोचो कि जो टॉपिक आपने बनाए हैं इस टॉपिक का डिमांड है या नहीं। अगर डिमांड नहीं है तो ये छोड़ो, जिस टॉपिक के ऊपर डिमांड है इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाओ। इसके बाद दोस्तों आप खुद आजमा लेना है कि आपका चैनल ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है। सो दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों के साथ ये चीज़ शेयर करने वाला हूँ कि आप कैसे डिमांड वाला टॉपिक यूट्यूब पर ढूंढ सकते हो और उस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना सकते हो। सो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ दोस्तों एक लाइक कीजिए। चलिए आज के इस वीडियो शुरू करते हैं। सो दोस्तों चलिए मोबाइल के स्क्रीन पर। सो दोस्तों डेली टॉपिक फाइंड करने के लिए और ट्रेंडिंग टॉपिक आपको फाइंड करने के लिए अपना मोबाइल पर प्ले स्टोर एप्लीकेशन ओपन करना है, जैसे कि मैंने ओपन किया है। इसके बाद दोस्तों सिंपली सर्च बार में टाइप करना है BIDIQ, जैसे कि BID, इसके बाद IQ, इतना ही लिखना है और इसके बाद सिंपली सर्च करना है। दोस्तों जैसे सर्च करेंगे इसके बाद कुछ इस तरह इंटरफेस आपका सामने डिस्प्ले होता है। जैसे कि दोस्तों ये जो एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन का नाम है BIDIQ। दोस्तों इस BIDIQ से आपको काफ़ी हेल्प करता है, तो दोस्तों ये सबसे पहले डाउनलोड करना है, इसके बाद इंस्टॉल करना है। जैसे कि दोस्तों मेरे पास पहले से इंस्टॉल है तो सिंपली ओपन ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये जो एप्लीकेशन है दोस्तों, इस एप्लीकेशन की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए YouTube सर्टिफाइड, बिल्कुल आप इसके अंदर काम कर सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कुछ सेकेंड ओपन होने में टाइम लेता है, तो सिंपली आपको कुछ सेकेंड वेट करना है। जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस तरह, यहाँ पर दोस्तों देखिए कुछ इस तरह लोडिंग ले रहा है और ये जो BIDIQ है, BIDIQ का इंटरफेस कुछ इस तरह है। तो यहाँ पर दोस्तों लोडिंग पूरा होने दीजिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए लोडिंग ले रहा है। यहाँ पर दोस्तों देखिए डेली आइडियाज़, सो दोस्तों यहाँ पर डेली 3 आइडिया देता है और जो आइडिया देता है इस आइडिया की वॉल्यूम कितना है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखिए डेली आइडियाज़ और यहाँ पर देखिए दोस्तों एक छोटा सा मतलब लाइन है, जैसे कि व्यू, यहाँ पर देखिए प्रेडिक्शन वेरी हाई, यानी कि वेरी हाई ये जो कीवर्ड है, मतलब ये जो टाइटल है इस टाइटल को ज़्यादा लोग सर्च कर रहा है, वेरी हाई यहाँ पर दिया गया है। तो सिंपली आपको करना क्या है कि सिंपली सेव पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखिए सेव और डिसमिस, तो सिंपली आपको करना कि सेव कर लेना है। इसके बाद दोस्तों देखिए नेक्स्ट जो यहाँ पर आइडियाज़ दिया गया है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ये भी वेरी हाई है, यहाँ पर देखिए 100% आपका चैनल ग्रो करेगा, ये ट्रिक्स लगाओ, 0 सब्सक्राइबर से चैनल ग्रो कैसे करें, तो सिंपली ये भी आपको सेव करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए ये जो सर्च वॉल्यूम है बिल्कुल मीडियम है, यानी कि इस कीवर्ड को मीडियम लोग सर्च कर रहा है, ज़्यादा नहीं कर रहा है और कम भी नहीं कर रहा है, मीडियम सर्च कर रहा है। यहाँ पर देखिए वॉच टाइम कैसे बढ़ाए अपने चैनल का, 4000 घंटे का वॉच टाइम
कैसे पूरा करें। तो ये भी दोस्तों आप सेव कर सकते हैं। दोस्तों ये तीनों आइडिया सेव करने के बाद नीचे एक ऑप्शन देख के डेली आइडिया, तो सिंपली इस पर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे क्लिक करेंगे तो ऊपर यहाँ पर देखिए तीन ऑप्शन दिया गया है, जैसे कि डेली आइडियाज़ और सेव आइडियाज़। तो आपने जो सेव आइडिया किया है तो सिंपली सेव आइडिया पर क्लिक करना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए आपने जो तीन आइडिया यहाँ पर सेव किया है, सबसे पहले तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट जो आपने सेव किया है ये 3 नंबर पर मिलता है। तो दोस्तों ये किस तरह वीडियो बनाना है, कैसे आइडिया लेना है कि कैसे इस वीडियो को क्रिएट करना है। वीडियो को क्रिएट करने के लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको करना क्या है कि इस टाइटल के ऊपर क्लिक करना है। दोस्तों जैसे टाइटल के ऊपर क्लिक करेंगे इसके बाद दोस्तों नीचे यहाँ पर देखिए वीडियो शो होता है, तो दोस्तों ये वीडियो आपको फुल वॉच कर लेना है। और उसके बाद दोस्तों कैसे वीडियो बनाया है ये लोग, इसी के हिसाब से आप थोड़ा बहुत चेंजेस करके इस टॉपिक के ऊपर आप वीडियो बना सकते हैं। सो दोस्तों ये डेली इस एप्लीकेशन के अंदर 3 आइडियाज़ मिलता है। दोस्तों मैंने इसी को फॉलो करता हूँ और डेली मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो दोस्तों डेली वीडियो आइडिया के लिए आपको इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप डेली आइडियाज़ ले सकते हो। और जो ये जो एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन जो ईमेल आईडी से आपने चैनल बनाया है उसी ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना है। अगर दोस्तों अनदर किसी ईमेल आईडी से लॉगिन करते हो तो आपको ये टॉपिक नहीं मिलता है, क्योंकि दोस्तों आपका चैनल के हिसाब से यहाँ पर टॉपिक दिया जाता है। इसके बाद दोस्तों और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन दोस्तों ये ऑप्शन आज मैं नहीं बताऊँगा, क्योंकि नेक्स्ट दिन बाकी जो ऑप्शन है बाकी ऑप्शन के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।